आगरा में समाजवादी पार्टी का वो बड़ा झटका, विधानसभा चुनाव के लिए एसपी उम्मीदवार हेमलता दिवाकर केशव मौर्य की मौजूदगी में बीजेपी में हुई शामिल। बिहार के छपरा में कोर्ट परिसर में धमाके से अफरा तफरी, दो महिलाओं समेत तीन लोग घायल, पुलिस ने तीन लोगों को किया गिरफ्तार। बिहार की तर्ज पर दूसरे राज्यों में होनी चाहिए शराबबंदी, बोले नीतीश कुमार। दोपहर 12:57 पर आज का एजेंडा में मुलायम पर नीतीश का शराब बम। विवादों में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री पंकजा मुंडे, लातूर जाकर सूख चुके बांध के साथ खींची सेल्फी, ट्विटर पर की पोस्ट, विपक्ष ने उठाए सवाल। दिल्ली में बीजेपी नेता विजय गोयल को गोपाल राय ने दिया गुलाब का फूल, विज्ञापन की फिजूल खर्ची के विरोध में विजय गोयल ने कटाया चालान। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन के खिलाफ दायर याचिका की खारिज। गुजरात में आरक्षण की आग, पाटीदार समाज ने आज बुलाया बंद, कल हुई हिंसा के बाद कई जगह धारा 144 लागू, इंटरनेट बंद, पुलिस बल तैनात। लखनऊ के आशाना गैंगरेप केस में 11 साल बाद इंसाफ का दिन, आज फास्ट ट्रैक कोर्ट आरोपी गौरव शुक्ला को सुनाएगी सजा। तीसरे दिन भी नोएडा हिट एंड रन केस का आरोपी गिरफ्त से बाहर, पहचान होने के बाद भी कार्रवाई नहीं, सूत्रों के मुताबिक आरोपी आज कर सकता है सरेंडर।